बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। मेरठ के नए पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी का मिजाज कुछ अलहदा है, लेकिन नौचंदी थाना इलाके में अफीम, चरस, गांजे व अवैध सट्टे का बाजार बेहद गर्म है। पुलिस कप्तान के कार्रवाई के आश्वासन को थाना नौचंदी पुलिस ने हवा में धुएं का छल्ला बनाते हुए उड़ा दिया। मजबूरी में परेशान क्षेत्रीय नागरिकों ने बीती रात आम सभा की। इस आम सभा में हुए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में डवाई नगर के तमाम लोगों ने अपने घरों के बाहर प्लान के पोस्टर लगा दिए हैं। इसके साथ ही इलाके में जगह जगह बैनर टांग दिए गए हैं। इन लोगों का आरोप है कि नौचंदी थाना पुलिस के संरक्षण में नशे व सट्टे का यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है। बेहद गंभीर व रोचक जानकारी यह भी है कि इस अवैध कारोबार का संचालन दो महिलाओं द्वारा किए जाने का आरोप स्थानीय नागरिक लगा रहे हैं। शनिवार की देर रात मिल्लत सेवा समिति के बैनर तले रफ आयाम हाई स्कूल में मीटिंग का आयोजन किया गया था। सभा में बताया गया कि इलाके के नागरिक एसएसपी से भी मिले, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। समिति अध्यक्ष जावेद अंसारी ने यह जानकारी दी। हम कप्तान साहब के यहाँ पे भी गए थे, दो बार गए भैया, वहाँ पे ऑर्डर तो हो गया इनको, ठीक है हम जांच करा लेंगे, लेकिन यहाँ का कारोबार ये बंद नहीं हुआ। हम इसीलिए हमने आज मीटिंग करी भाई, बंद हो जाता, कार्रवाई नहीं होती है तो क्या है आगे? हम आंदोलन करेंगे फिर बड़ा, इसके लिए नहीं हटेंगे हम। बुराई तो हमारे बच्चे, हमारे नस्लें खराब होने जा रही, इसके लिए तो हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। मकान बेचना ही रास्ता है आपके लिए? हाँ, और क्या करेंगे भैया, जब नहीं सुनवाई होने की तो क्या करेंगे क्या भैया, अपने बच्चों को नशे पे लगा ले, गांजे पे लगा ले मेरे भाई। देखो आज हमारा बच्चा छोटा है, हमारी ये आस है, हम 200-400 रुपए कमा के लेकर आए, हमारा बच्चा बड़ा होगा कल, और जी वो बच्चा थोड़ा समझदार होया, उसको नहीं इतनी समझ, वो गांजा पीने लगा तो भाई बूढ़ा बाप घर में बैठ के रो रहा है। हमारे घर में एक बेटी बैठी थी, उसकी शादी भी करनी है, बूढ़े बाप के एक बेटी बैठी हुई है, अब वो 1 लाख कितना कमाएगा, कैसे शादी करेगा, वो तो गांजा पी का पड़ा है इस घर की वजह से। कितने लोग हैं आपके साथ? जी हमारा पूरा महल्ला भैया साथ है, पूरे महल्ला का प्रोग्राम है। कौन सा महल्ला है जी? अंसार के लोग, करीमनगर, वो ढवाई नगर भी बोलते थे, गली नंबर 10। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।